पता नहीं क्यों लोग चले जाते हैं, घर में फैन चला छोड़ जाते हैं। अभी जस्ट मैं अपने रूम से बाहर आई हूँ और यहाँ फैन चला हुआ है हॉल में, और ये पूजा का कमरा है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये मेरी शादी की ड्रेसिंग टेबल है, और पता है इसका ना कांच जो है वो टूट गया है, क्योंकि हमने अपने रूम में नया बेड और ड्रेसिंग टेबल बनवाई थी, तो इस वजह से ये वाली जो ड्रेसिंग है वो इस वाले रूम में शिफ्ट कर दी है, और इसमें कांच लगवाना है मुझे भी, और इसकी थोड़ी बहुत मैं सोच रही हूँ डेंटिंग पेंटिंग करवा दूँ, जिससे कि ये पहले की तरह ब्यूटीफुल हो जाएगी, क्योंकि अभी बिल्कुल नई है यार, इसमें कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, और ये सेफ, ये भी ऐसी की ऐसी रखी हुई है, तो इसको तो हमने बच्चों को दे दिया है, इसमें हमने बच्चों के कपड़े जो है वो एडजस्ट कर दिए हैं सेफ में। और तो चलिए, ये तो है पूजा वाला रूम, और आज मेरे बाल वाल सब ऐसे ही हैं, और मैंने पता है कंघी भी नहीं की है बालों में, बस कल हेयर वॉश किया था, और कल से अभी तक मैंने ना कॉम नहीं किया है बालों में, क्योंकि मेरी तबीयत रात को ख़राब हो गई और कल मुझे फुर्सत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? हाँ, काम आजकल थोड़ा ज़्यादा ही है, तो इस वजह से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में, अपने घर में, क्योंकि ब्लॉग के थ्रू आप सब लोग घर में तो आ ही जाते हैं घूमने के लिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे घर में। और मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे बिल्कुल क्लीन है, घर बिल्कुल साफ़ है, और कोई भी गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है। ये मेरी बैठक है जो कि बिल्कुल क्लीन है इस टाइम पे, और मैं सोच रही हूँ कि एक हाउस टूर मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ, लेकिन ना मैं अभी क्या सोच रही हूँ कि हाउस टूर मैं आपके साथ में जब शेयर करूँ, जब मेरा घर तो जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है। तो मेरे फ़ोन की बैटरी की जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है, फ़ोन की बैटरी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा लो, तो चलिए फटाफट पहले तो मैं इसको लगा देती हूँ चार्जिंग पे, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, जब फ़ोन मेरा चार्ज हो जाएगा तब व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी। वैसे तो स्टार्ट हो ही चुका है, लेकिन बीच में अभी ये स्टॉप हो गया है क्योंकि बैटरी लो हो चुकी है। तो चलिए गाइस, पहले मैं इसको चार्ज कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, फ़ोन को लगा दिया है फ़िलहाल चार्जिंग पर, और ये चार्जिंग पर ही है जब मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ। और यहाँ पीछे मैंने बनाया है अपने लिए दलिया, आप देख सकते हो छोटी सी कढ़ाई में मैंने दलिया बनाया हुआ है, और वो गैस पर रखा हुआ है, तो धीरे धीरे करके वो बन ही जाएगा। मैंने गैस को ना बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है, तो वो आराम से बन जाएगा। और चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा, पर आज सुबह भी मैंने चाय नहीं पी थी तबीयत की वजह से। और अभी मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी, जो कि रखी हुई है पीछे कप में, और बस मन कर रहा था बहुत ज़्यादा चाय का, तो मैंने सोचा कि चलिए कॉफ़ी देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, शायद कॉफ़ी से कोई भी गड़बड़ ना हो, तो देखते हैं। और ज़्यादा हार्ड वाली कॉफ़ी नहीं बनाई है मैंने, तो चलिए अभी मैं जाने वाली हूँ सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा मतलब यहाँ पर घुटन फील हो रही है अंदर अंदर, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर ना बालकनी में बैठ कर आती हूँ, और फ़ोन को मैं यहीं छोड़ कर जाऊँगी नीचे चार्जिंग पर, आराम से यहाँ चार्ज होता रहेगा जब तक मैं लौट कर आऊँगी। कुछ कपड़े हैं जो प्रेस करने हैं, तो वो भी ऊपर ही रखे हुए हैं सेकंड फ्लोर पर, तो उनको मैं उतार कर लाती हूँ, अभी थोड़ी देर ऊपर बैठूँगी, फिर उसके बाद मैं वहीं पर अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूँगी, फिर उसके बाद मैं कपड़े उतार कर नीचे लाऊँगी, उनको प्रेस करके सबको रख दूँगी। ब्लॉग मेरा कल शाम को ही स्टॉप हो गया था, क्योंकि मैं प्रेस कर रही थी कपड़ों पे, और पता है चलते चलते अचानक से मेरी प्रेस जो थी वो बंद हो गई, और जब से वो चली ही नहीं है। मैंने कई बार उसको ट्राई कर लिया, इधर जो बोर्ड है उसमें भी ट्राई कर लिया, उधर वाले बोर्ड में भी ट्राई कर लिया, लेकिन वो प्रेस मेरी चली ही नहीं है अभी तक, और मुझे लगता है उसमें कोई शायद दिक्कत आ गई, और वो मुझे डालनी पड़ेगी अब दुकान पर, तब पता चलेगा कि उसके अंदर क्या दिक्कत आ गई है। और मेरे सारे कपड़े यार प्रेस करने के लिए रह गए हैं, तो दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और आज नेक्स्ट डे हो चुका है, तो मैं आज ब्लॉग ये जो है इसका एंड करूँगी। तो गाइस, आज मैंने मॉर्निंग में बनाए थे पोहे, ये पोहा जो है आज मैंने मॉर्निंग में बनाया था, और ये अभी इतना बचा हुआ है,
और इसे खाने वाला भी कोई नहीं है, तो ये घूम फिर करना, इसे मैं ही ख़त्म करूँगी। और बनाई थी आलू की सूखी सब्ज़ी और साथ में बनाई थी रोटियाँ और रायता। बस आज इतना ही था। और चलिए मैं आपको थोड़ी सी सब्ज़ियाँ दिखा देती हूँ जो अभी सब्ज़ियाँ आई हैं घर में। तो क्या क्या सब्ज़ी आई है मार्केट से, पूरे हॉल में सनलाइट आ रही है और किचन की विंडो से भी काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या सब्ज़ी लेकर आए हैं मार्केट से। तो ये हैं बैंगन, बैंगन आए हैं और क्या क्या है, गाजर है, लौकी है इसमें, अच्छा हाँ इसमें है काशीफल, काशीफल है इसमें। और यहाँ है हरे धनिए और टमाटर। तो ये सब्ज़ी हमारे यहाँ आ चुकी है और अभी हम इन सब्ज़ियों को वॉश कर देते हैं, क्योंकि जब ये हम सब्ज़ियों को वॉश करके रखते हैं ना तो इजीली मतलब खाना वाना बनाने में ना इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जब हम सब्ज़ियों को वॉश करके नहीं रखते हैं ना तो आप जब भी खाना बनाने जाओगे तो सबसे पहले आपको सब्ज़ी को वॉश करना होगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसलिए मैं ना पहले ही सब्ज़ी को वॉश करके रख देती हूँ जिससे कि आराम से तुरंत निकालो और तुरंत से फटाफट अपना खाना बना लो। और ये जो डंडियाँ हैं ना, ये धनिया की जो डंडियाँ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी लग रही हैं, तो इनको मैं अलग कर देती हूँ और उसके बाद देन ये जो धनिया बचेंगे इनको मैं आराम से इस बास्केट के अंदर रख दूँगी जिसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्च को वॉश करके रखा हुआ है। और इसी के अंदर ये धनिया भी सूख जाएंगे, इनका पानी जो है सारा निकल जाएगा क्योंकि ये जालीदार बास्केट है। और जब इनका पानी सारा निकल जाएगा, ये बिल्कुल सूख जाएगी वेजिटेबल, तब मैं इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर दूँगी जिससे कि मैं जब भी खाना बनाऊंगी ना तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको मतलब बार बार निकाल कर वॉश नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो आप देख सकते हो मेरे धनिया भी वॉश हो चुके हैं, बहुत अच्छे से वॉश हुए हैं। और इनको अब मैं रख देती हूँ इस बास्केट के अंदर, तो आराम से ये इसके अंदर सूख जाएंगे। अब हम रखेंगे इस बास्केट को इस वाली स्टैंड के ऊपर जिससे कि इसका पानी जो है वो सारा नीचे निकल जाएगा इस तरीके से। ये नीचे का जो खाली स्पेस है इसके अंदर से इसका पानी सारा जो है, जो भी पानी होगा इसके अंदर, वो सारा इसके अंदर नीचे निकल जाएगा और हमारी वेजिटेबल बहुत अच्छे से सूख जाएंगी। उसके बाद हम इसको फ्रिज में स्टोर कर देंगे। तो आप देख सकते हो मेरा जो चॉपिंग बोर्ड है वो बिल्कुल ही टूट चुका है, पता नहीं कैसे टूट गया, मैं खुद सरप्राइज होकर देखकर। और मैंने बहुत टाइम बाद इसको यूज़ किया है, मैंने सोचा कि चलो आज चॉपिंग बोर्ड पर टमाटर वगैरह काटते हैं। जब देखा मैंने इसको निकाल कर तो ये चटका हुआ था और मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना इसको देख कर, मतलब मेरी हवाइयाँ ही उड़ गई एकदम से, क्योंकि मुझे सरप्राइज़ मिल गया मेरे चॉपिंग बोर्ड के। तो कोई बात नहीं, चलिए ये तो चलता ही रहता है, देखेंगे दूसरा कभी अगर हो पाएगा तो ले आएंगे नया। और अभी हम बनाने वाले हैं आज चटनी, शाम का टाइम हो रहा है और डिनर का टाइम है, तो हस्बैंड आ चुके हैं और उनको लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख। तो भाई अब जल्दी जल्दी भूख का इलाज तो यही है कि चटनी बना ली जाए, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं चटनी हरी धनिए की और इसमें प्याज मैंने स्किप की है, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं और मेरी सांस थोड़ी सी फूल रही है क्योंकि मैं भी जीने पर चढ़ कर आई हूँ।
तो इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है चटनी बनाने की, और चटनी के साथ बनाऊँगी मैं सादा वाले पराठे, और पराठा और चटनी हस्बैंड को दे दूँगी मैं, और बाकी सभी के लिए भी मैं क्या अब अलग से बनाऊँगी स्पेशल, क्योंकि 7 बजे हुए हैं इस टाइम पे और पराठे बनाते बनाते वही टाइम हो जाएगा डिनर का। तो यहाँ पर मैं चटनी और पराठे ही आज बनाने वाली हूँ डिनर में, और नॉर्मल सी चटनी बनाई है जो सभी के घरों में बनती है, जीरा और सारे नमक और जो भी मसाले हैं सब ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये आटा रखा होता फ्रिज में, इसी के पराठे सेक लूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।